तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, कि आज हम फीडिंग ट्रे बनाने वाले, कबूतर की फीडिंग ट्रे, और इसको आप मुर्गी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये से भी कम में बनेगी, 20-30 रुपये आप समझ सकते हो, 20-30 रुपये में बन जाएगी आपको भी आराम से। और मैं अब दिखा देता हूँ इसमें आपको क्या क्या सामान लगता है। तो मैं जो ये पूरा जुगाड़ बना रहा हूँ ऊपर, आप चाहो तो इसको थोड़ा और भी अच्छे से बना सकते हो। मेरे पास पूरा वेस्ट मटेरियल से बना रहा हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। मैंने इस तरह के, मतलब दो ये टुकड़े लिए हैं, ये सिलिकॉन का है, ये आप देख सकते हैं ऐसा इसमें सिलिकॉन आता है भरा हुआ। ये मेरे पास पड़ा हुआ था क्योंकि मैं फ़िश टैंक बनाता हूँ, तो फ़िश टैंक में सिलिकॉन काम में आता है। मैं आपको सिलिकॉन दिखा भी देता हूँ, देखो ऐसा आता है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, ये कांच चिपकाने में काम आता है, इससे फ़िश टैंक बनाते हैं। तो मैं भी फ़िश टैंक बनाता हूँ, तो उसके लिए मेरा बचा हुआ था, मतलब फालतू, मतलब पड़ा हुआ था खाली डिब्बा, तो उसको मैंने बीच में से ऐसा काट लिया दोनों तरफ से, और एक पाइप टाइप का, मतलब कि कटा हुआ पाइप बन गया। और उसको चिपकाएंगे भी सिलिकॉन से ही हम, क्योंकि मेरे पास और कुछ अभी चिपकाने के लिए है नहीं। आप चाहो तो किसी भी चीज़ से चिपका सकते हो। और अगर आपको ये, आप ये तो आपको मतलब नहीं मिलेगा, इसके जगह आप पाइप यूज़ इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक, मतलब कि 10-10 इंच के दो पाइप ले आओ, एक पाइप ले आओ, उसको बीच में से काट लो, तो आपका है ना कम से कम 2 फीट का आराम से बन जाएगा, 2 फीट या 1 फीट आप जितना बनाना चाहो उतना बन जाएगा। और ये 2 फीट की मैं प्राइस बता देता हूँ। अगर आप इस 2 फीट की फीडिंग ट्रे अगर कहीं लेने जाते हो दुकान पे या कहीं से भी मंगवाते हो, तो आपको ये कम से कम 200-250 रुपये की मिलेगी अच्छी वाली। और वैसे की वैसे सेम टू सेम आप घर पे ही बना सकते हो बिना, मतलब 20-30 रुपये के खर्चे में, इससे ज़्यादा खर्चा आपका ज़्यादा नहीं होगा। तब मैं आपको बता देता हूँ लगेगा क्या क्या। आपको इसमें लगेंगे 2 ऐसे लकड़ी के टुकड़े, आप इसकी जगह मतलब कि कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बता देता हूँ कहाँ पर लगेंगे, ये लगेंगे ऐसे साइड में, ताकि खाना मतलब फेंकाए नहीं उधर साइड, ऐसे लगेंगे चिपक जाएंगे। तो इसे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो इसकी जगह पे। और नीचे आपको लगाने के लगेगी लकड़ी, आप लकड़ी की जगह को कोई सा भी प्लास्टिक का टुकड़ा लगा सकते हो, जो मतलब ऐसा ज़मीन पे पूरा टिक जाए और थोड़ा भारी हो ताकि हिले नहीं वो। और इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे इस अगर कर, तो मैं आपको सब बता देता हूँ कैसे चिपकाते हैं। तो हमने इसको नीचे रख दिया, देखिए बढ़िया आसानी से दिख रहा है आपको। तो मैं ये, तो सबसे पहले मैंने सिलिकॉन गन लिए और उसको मैं लोड कर रहा हूँ। ये सामान मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ चिपकाने के लिए, वरना आप इसकी जगह पे कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे लकड़ी और प्लास्टिक चिपक जाए। तो ये देखिए सिलिकॉन अब निकलने लगा है। अब मैं सबसे पहले इन दो को चिपकाता हूँ ताकि एक लंबी ट्रे बन सके। तो इसको एक के ऊपर एक चिपका देंगे हम सिलिकॉन की मदद से। तो ये हमने लिया सिलिकॉन, और सिलिकॉन थोड़ा सा हम लगाएंगे। सिलिकॉन लगने के बाद ये इतनी मजबूती से चिपक जाएगा कि अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो भी नहीं टूटेगा ये, क्योंकि सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मजबूत मटेरियल आता है और ये कांच चिपकाने में इस्तेमाल होता है। इससे मैं फ़िश टैंक बनाता हूँ इसलिए मेरे पास रखा हुआ था। तो ये देखिए चिपक गया। अब इसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको देख लेंगे किसे के साइज़ में आ रहा है, ये इसके हिसाब से पूरा उसको फिक्स कर देंगे हम। अभी इसको मैं नीचे से नहीं चिपकाया, बस ये दो को ही चिपकाया है, ये देख सकते हैं आप। अब इसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन लगा देंगे हम। तो अब इसको हमने रख दिया साफ़ करके। अब इसको इसके ऊपर हम पहले आड़ा रख देंगे ताकि इसके ऊपर हम नीचे साइड से सिलिकॉन लगा सके और उसको चिपका सके। पहले इसमें जल्दी जल्दी सिलिकॉन लगा देता हूँ। ये लग गया सिलिकॉन पूरा। अब मैं इसको इसके ऊपर रख के चिपका दूंगा, बिल्कुल एकदम खड़ा रखूंगा मैं। ये देखिए मैंने इसको रख दिया और इसको थोड़ा हल्का सा मैंने दबा दिया है। अब हम साइड के ये लगाएंगे, तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से लगेंगे। तो अब इसको चिपकाते हैं हम सिलिकॉन से। तो सब हम इसे साइड में सिलिकॉन लगा रहे हैं एकदम पूरे किनोर किनोर में। ये देखिए ऐसे। अब इसको चिपकाते हैं हम फटाक से। ये देखिए ये लगा दिया हमने एक साइड का। अब हम दूसरे साइड का भी लगा लेते हैं। तो ये हमने दूसरे साइड का भी लगा लिया है। ये देखिए एक साइड का फिर से लगा दिया हमने, वो निकल गया था, और ये दूसरे साइड का हमने लगा दिया है। और इसको हम कम से कम इसको 5 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे बाहर के भारी धूप में। ये रख दिया हमने, और इसके ऊपर हम थोड़ा और सिलिकॉन लगा देते, थोड़ा बच गया था यहाँ पे, तो और मजबूत हो जाएगा थोड़ा सा।
अब मैं इसमें ईंट लगा दूंगा ताकि ये और भी थोड़ा दबा रहे और निकले नहीं। ये देखिए मैंने ईंट फंसा दी इसमें, अब इसको सूखने के लिए देते हैं। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे के बाद देखिए थोड़ा बहुत सूख चुका है, ये आप देख सकते हो। तो अब इसको हम लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा कबूतर, आप देख सकते हो हम यहाँ पे खाना देते थे, पर अब ये थोड़ा गंदा हो चुका है और थोड़ा बारिश का पानी के अंदर आ गया था सामने जाली में से। तो हमने ये बनाया बहुत अच्छा, मतलब कि ये है फ्रीडिंग के, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। अब इसके अंदर मैं खाना डाल के दिखाता हूँ आपको, कबूतर खाते हैं या नहीं देखते, इनको आदत लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए कबूतर देख तो रहे हैं, कबूतर आया अभी, इनर आया है बड़ा, और थोड़ा खाना डालते हैं इसके अंदर ताकि ये देखे, तो उसके देखे देखिए और कबूतर भी आए। ये देखिए मैं दरवाज़ा बंद करके साइड में हट जाता हूँ, थोड़ा सा जाली में से देखते हैं हम। अभी वो थोड़ा डर रहा है, ये देखिए खाना खाने लगा, वो खाना उठा रहा है पर डर भी रहा है थोड़ा सा, उसको लग रहा है कि नई चीज़ क्या है ये, पर एक दो दिन में इनको आदत पड़ जाएगी। ये देखिए तो ऐसा आप भी अपने घर पे बना सकते हो ताकि आपके कबूतर जो है बारिश में बीमार ना पड़े। और ये सबसे अच्छी मतलब तरीका है कबूतर को दाना खिलाने के, इससे मतलब कि दाना बर्बाद भी नहीं होता आपका, और जितना अगर बच जाएगा तो आप वापस डब्बे में डाल सकते हो, बर्बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें से बाहर भी नहीं फिकाएगा, और इससे सारे कबूतर आराम से खा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, SB Pigeon को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपको कबूतर के बारे में ऐसी और नॉलेज वीडियो मिलती रहेगी आगे भी।